स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। अगर आप केदारनाथ जा रहे हो ना तो ये व्लॉग जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरी तरह से आपको बताने वाली हूँ कि अपने केदारनाथ टूर को कैसे प्लान करें, और जो मन में डर आ चुका है अभी की वीडियोस देख देख के, वो डर भी आपके मन से निकल जाएगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। केदारनाथ जाने की इच्छा तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा मौसम देख के, ऐसे हालात देख के और स्पेशली ऐसी वीडियोस देख के। तो क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ? लेकिन जाने की इच्छा तो हो रही है क्योंकि वहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा है, भोलेनाथ से मिलने की भी इच्छा हो रही है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं भी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। ऐसा काफ़ी सारे लोग बोल सोच रहे होंगे जो केदारनाथ जाने वाले हैं। तो मैं भी ऐसे स्ट्रेस में थी बहुत पहले, क्योंकि मैं पहले से ही केदारनाथ की तीन ट्रिप्स, मतलब तीन बार जा चुकी हूँ केदारनाथ, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके दिमाग में 110% यही चल रहा होगा कि रूम कितने महंगे होंगे, कैसे जाएंगे, मौसम खराब होगा तो क्या करेंगे, वहाँ जाके ट्रैक कैसे कर पाएंगे, हेल्थ इश्यूज हो गए तो मैं मर गई तो ऐसा कुछ। तो ऐसा देखो, नॉर्मली मर तो कहीं भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके मरो, यहाँ पे भी मर सकते हो। खैर, मरने मराने की बातें हम बाद में करेंगे। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, जैसे मेरे दिमाग में भी चलती थी, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन हल्की बात करते हैं, हमारी छत पे वैसे ऊपर बारिश आ रही है, लेकिन तो कितनी अच्छी हवा चल रही है, बारिश नहीं आ रही। तो अब मैं आपको बताती हूँ, शुरू करते हैं। तो देखो, आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ जानकारियाँ भी दूंगी, जानकारियाँ ऐसी कि जैसे कि आप केदारनाथ जा रहे हो तो आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। जिन लोगों की बुकिंग नहीं है ना और ऊपर होटल उनको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सब यही सोच के जाते हैं कि केदारनाथ पहुँचेंगे ना तो वहाँ जाके होटल में, मतलब जाते ही बुकिंग हो जाएगी, स्पेशली वो लोग जो पहली बार केदारनाथ जा रहे होते हैं। तो हमने भी यही सोचा था, लेकिन ऐसा हमने 1-1.5 साल पहले सोचा था जब मैं फर्स्ट टाइम केदारनाथ गई थी। यार, मैं अपनी कहानी बताने आई थी तो यहाँ पे बारिश हो गई, लेकिन ना अच्छी बात है थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इतने दिनों से। तो हुआ क्या था कि हम मैंने डिसाइड करा हुआ है, मेरे मन में ऐसा होता है कि केदारनाथ मंदिर की ओपनिंग पे और केदारनाथ मंदिर की क्लोजिंग पे मैं हमेशा जाऊंगी। तो ऐसा मैंने सोच रखा है और अभी तक तो होता हो रहा है, लेकिन अब देखते हैं आगे कितने टाइम तक मैं इस चीज़ को फॉलो कर पाती हूँ। वो तो भोलेनाथ के ऊपर है, और थोड़ा बहुत जेब पे भी बात आती है क्योंकि बजट भी सेट करना पड़ता है, और ऐसी लंबी ट्रिप्स बहुत ज़्यादा बजट, मतलब काफ़ी बजट पैसे लग जाते हैं ऐसी लंबी ट्रिप्स में। और अगर आप नॉन स्टॉप ट्रिप्स कर रहे हो अगर आप ट्रैवलर हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो, तो आप इस चीज़ से एकदम से कनेक्ट कर पाओगे जो मैं बोल रही हूँ। कि अगर आप YouTube से आपकी मनी नहीं आती और उसके बाद आपको अपने पैसों से YouTube वीडियो बनाने के लिए बाहर वगैरह कहीं भी जाना होता है, तो एक बजट भी सेट करके चलना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आप अपनी अपने पैसे लगा रहे होते हो। तो सेम ऐसे ही है। तो अभी ऐसा है कि हम 5 मई को जा रहे हैं केदारनाथ। पहले मैंने सोचा था ओपनिंग पे जाएंगे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हम ओपनिंग पे नहीं गए। तो मेरा ये चौथी बार मैं केदारनाथ जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं गई थी ना, उस टाइम पे तो एक कहानी हो गई थी, वो कहानी ना मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, वो कहानी मैं केदारनाथ मंदिर में बैठ के आपको बताऊंगी। तो वो कहानी आप सुनोगे ना, जब आप, मतलब एक तरह से अंदर से ना एक रोंगटे खड़े होने वाली बातें थी। उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बोलते हैं ना, जैसे ऐसा लगता है कि भगवान आपको, आपके साथ कनेक्ट है, ऐसा करके ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशन हो रही थी। तो वो कहानी मैं आपसे केदारनाथ जाके शेयर करूंगी जब मैं जाऊंगी ना। तब मैंने सोच रखी है कि वो पहली बार वाला केदारनाथ वाला जो टूर था ना, वो मैं ज़रूर कहानी बोलना चाहूंगी। बताओ, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि केदारनाथ ट्रिप के बारे में, कि जो जो केदारनाथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अंदर से अभी जो जैसी न्यूज़ चल रही है कि केदारनाथ में बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, और ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही हैं। तो स्पेशली पहले मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप केदारनाथ फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो बुकिंग करा के जाना, क्योंकि हमेशा केदारनाथ में प्रॉब्लम यही होती है कि आप बिना बुकिंग के जाते हो और वहाँ जाके रूम्स नहीं मिलते, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। अगर नीचे तो हम फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे सोनप्रयाग, गौरीकुंड में तो हमें कैसे भी करके रूम मिल ही जाएगा,
और अगर नहीं भी मिला तो हम वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि नीचे ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो मैनेजेबल है। लेकिन केदारनाथ मंदिर में अगर आप पहुँचे और उसके बाद आपको रूम नहीं मिला ना, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ हो या फिर अकेले हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। हालांकि वहाँ पे तो भोलेनाथ बैठे हैं तो किसी को क्या ही दिक्कत आएगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप केदारनाथ जा रहे हो तो आप क्या क्या तैयारी करके जाओ। तो पहली चीज़, ठंड के कपड़े, ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, तो ठंड के कपड़े तो नॉर्मल सी बात है कि ठंड के कपड़े आपको लेके ही जाने हैं। लेकिन स्वेटर वगैरह जो है ना वो ठंड नहीं रोक पाएगी, तो विंड शीटर ज़रूर लेके जाना और छतरी और रेनकोट, ये चीज़ें तो कंपलसरी है, ये तो भूलना मत। अगर वहाँ पे बारिश नहीं भी आती ना तो भी, अगर आप वेदर फोरकास्ट चेक करके जाते हो और बारिश नहीं आ रही, नहीं लिखा हुआ आ रहा, लेकिन फिर भी रेनकोट और अम्ब्रेला आप लेके जाना क्योंकि वहाँ पे बारिश कभी भी आ जाती है। तो बाकी रूम्स की बात हो रही थी यहाँ पे, तो अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो वहाँ पे रूम बुकिंग कराने के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देती हूँ। यहाँ से अगर आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आपको मैं लोकल कुछ होटल्स हैं उनके रूम मैं आपको दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगी और स्क्रीन पे भी नंबर है, तो आप ये नंबर देख सकते हो। आप इस पे कॉल करके जब भी आपको केदारनाथ जाना है आप बुक कर सकते हो रूम, और वहाँ पे क्या चल रहा है सिचुएशन वो उनसे पूछ सकते हो। तो ये मैं होटल के नंबर्स हैं, आप इन पे देख लेना और इनको कॉल करके पूछ लेना कि किस टाइम रूम अवेलेबल है और क्या क्या चार्जेस हैं, उस हिसाब से आप बात कर लेना। 5-5 मई को हमें केदारनाथ के लिए निकलना है, तो जो मेरे साथ नए लोग जा रहे हैं उनको इतना नहीं पता था, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ा मुझे कि पहले से ही रूम आपको बुक कराने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रूम बुक नहीं हुए और आप ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन पहले दो दिन पहले रूम बुक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दिन पहले दो दिन पहले बिल्कुल भी रूम बुक नहीं होंगे, क्योंकि कई लोग तो 6-6 महीने पहले से ही रूम बुक करा के बैठे हुए हैं। अब JMVM में आप जाके चेक करोगे ना तो उसमें तो आपको रूम्स मिलेंगे ही नहीं, है ही नहीं रूम्स, क्योंकि 6-6 महीने पहले से ही रूम ना लोग बुक करा लेते हैं। तो हम थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं ये सोच के कि रूम्स तो वहाँ जाके मिल जाएंगे, देख लेंगे वहाँ जाके, जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आप पहले से ही रूम बुक करके जाना, और ये कुछ नंबर्स हैं इन पे कॉल वॉल करके रूम बुक करा लेना पहले से ही। सबसे मेन बात तो ये है, अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है ना ऊपर के रूम का, फिर तो सारी चीज़ें सॉल्व है, पानी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको ऊपर जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से वहाँ जाके टाइमली, अगर आप ट्रैक करना शुरू करोगे ना टाइमली, आप वहाँ पहुँच जाते हो ऊपर, तो आराम से अपने रूम में अपना आराम से एडजस्ट हो जाओगे। वैसे बताती हूँ कि आपको कैसे अपना टूर थोड़ा बहुत प्लान करना चाहिए, जिस हिसाब से मैं गई हूँ 2-3 बार। तो जैसे हम यहाँ से निकले, मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली से मैं निकली किसी भी बस से, या और मैं एक चीज़ और बताती हूँ, दिल्ली से एक बस जाती है जो रात को 9 बजे निकलती है और वो डायरेक्ट सोनप्रयाग जाती है दिल्ली से। तो ये भी आप उसको भी देख सकते हो, आप उससे भी जा सकते हो कि डायरेक्ट सोनप्रयाग, बीच में ऋषिकेश में उसका स्टॉप होता है, मे बी 30 मिनट्स या 20 मिनट्स का स्टॉप होता है, तो वो आप देख लेना। और बाकी इस बार हो सकता है कि हम भी उसी बस से जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम बचता है वहाँ जाके, फिर आप ऋषिकेश उतरो फिर दूसरी बस करो, इससे बेटर है आप डायरेक्ट यहाँ से सोनप्रयाग चले जाओ, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ ये है, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इतने लंबे टाइम तक बैठे बैठे कईयों को प्रॉब्लम होती है बैठने में, तो ये एक मेजर इशू हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। दिल्ली से मैं पहुंची ऋषिकेश। ऋषिकेश में अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो वहाँ से भी आपको बस मिल जाती है केदारनाथ जाने के लिए, तो आप वहाँ से बस ले सकते हो। मे बी 300 ऐसा कुछ किराया है, 300 या मे बी थोड़ा ज़्यादा हो, मुझे अराउंड इतना ही है, 300-250 ऐसा ही कुछ किराया है, ज़्यादा नहीं है। ऋषिकेश से बस मिल जाएगी केदारनाथ जाने के लिए, और फिर वो बस आपको उतारेगी सोनप्रयाग में, हाँ सोनप्रयाग उतारेगी, और फिर सोनप्रयाग आप पहुँच जाओगे 7 घंटे में, 6-7 घंटे में पहुँच जाओगे सोनप्रयाग, अगर रास्ते में लैंडस्लाइड नहीं होता तो। तो लैंडस्लाइड नहीं होगा तो आप आराम से पहुंच जाओगे सोनप्रयाग, और रास्ते में धारी देवी माता का मंदिर है, और अगर आप गाड़ी से जा रहे हो ना तो धारी देवी माता के मंदिर दर्शन करके फिर केदारनाथ की तरफ निकलोगे ना, तो बहुत मजा आएगा। तो और अगर बस से जा रहे हो तो बस तो रुकेगी नहीं, तो कोई नहीं, दूर से हाथ जोड़ लोगे ना उतने भी माता रानी खुश हो जाती है, तो उतना भी काफ़ी है। फिर तो आप सोनप्रयाग पहुंच गए, सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहां पे आप अपने रूम्स वगैरह वैसे भी बुक करा के देख सकते हो, मैं आपको कुछ नंबर सोनप्रयाग के भी दे देती हूँ, तो आप लोग उसमें चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी आपके कुछ नंबर्स हैं सोनप्रयाग में, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो। और अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा कम है तो आप सीधा सोनप्रयाग पहुँच के ट्रैक भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है, और आप हो सकता है तो आप डायरेक्ट ट्रैक शुरू कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है, आपको थकान ज़्यादा हो रही है, तो आप वैसे मेरे हिसाब से तो ना, अगर आप जा रहे हो ना तो आराम से जाओ, पूरा सोनप्रयाग जाओ और उसके बाद फिर वहाँ पे रूम्स वगैरह देख लो। और सोनप्रयाग में आपको रूम्स मिल जाएंगे 1000-1500 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने लास्ट लिया था सोनप्रयाग से थोड़ी सी पहले सीतापुर में
और उससे पहले फाटा में भी लिया था, तो आपको वहाँ पे 1000-1500, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा रश है तो 2000 में अगर आप थोड़ा बहुत बात बात करके कर लोगे तो इतने में मिल जाएगा। और अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है तो सोनप्रयाग में 300 रुपये में ना काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पे गद्दे वगैरह लगे होते हैं, मतलब सोने को मिल जाते हैं आपको वहाँ पे। बाथरूम नहीं मिलता वहाँ, कॉमन बाथरूम होता है, तो वो तो चलो ठीक है, 300 रुपये तो कम से कम एटलीस्ट आपके पैसे तो बचेंगे, बाथरूम तो वहाँ पे मिल ही जाते हैं, तो आप वहाँ पे सो सकते हो, गद्दे और आपको रजाई वगैरह मिल जाएगी 300 रुपये में। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ, सोनप्रयाग में जब आप सो के नेक्स्ट डे उठोगे कोशिश करना कि फटाफट से आप ट्रैक शुरू कर दो, अराउंड 6-7 बजे सुबह ट्रैक शुरू कर दो बस। जैसे ही आप ट्रैक शुरू करोगे ना जल्दी, तो आप अगर आप जल्दी से जल्दी ट्रैक शुरू करोगे आराम आराम से भी जाओगे तो शाम के 5-6 लास्ट 7 बजे तक आप टिच पहुंच जाओगे, मे बी उससे पहले पहुंच जाओ, अगर पहले पहुंच जाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर उसके बाद सब अगर आप जल्दी पहुंच जाओगे तो सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि आप आरती अटेंड कर सकते हो शाम की, और रास्ते में आपको ना मैगी पराठे यही 2-3 चीज़ें मिलेगी और चाय तो आपको मिली जाएगी। और अब तो केदारनाथ के पट खुल चुके हैं, पहले जब हम लास्ट गए थे तो केदारनाथ के पट जब बंद होने वाले होते हैं ना तब उस टाइम पे सारे स्टॉल्स वाले होते हैं ना वो हट जाते हैं, ऑलमोस्ट हट जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका वापस जाने का टाइम होता है। जब मंदिर बंद होने वाला था क्लोजिंग के टाइम पे ना ऑलमोस्ट रास्ते में आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब पट खुल जाते हैं ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी ट्रैक पे, जूस वगैरह सब कुछ, नींबू पानी वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, खाने पीने की सुविधा आपको मिलेगी, रास्ते में बाथरूम भी होगा, साफ बाथरूम होंगे और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होंगी, कोई मेडिकल इशू होगा तो भी आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी रास्ते में। फिर उसके बाद आप अपना ट्रैक कंप्लीट करके सीधा मंदिर की तरफ पहुंचना, अगर आपने बुकिंग करा ली होगी जैसे मैंने आपको नंबर दिया, बुकिंग कराने के बाद आप अपना रूम में चेक इन करना और फिर अपना मंदिर के पास थोड़ा बहुत अच्छा मतलब भोलेनाथ की शरण में बैठना और आरती लेना और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी आँखों के अंदर है, मैं बोल नहीं पा रही, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, समझ जाओ आपका ठीक है। फिर उसके बाद आप वहाँ पहुँचने के बाद अपना रूम में चेक इन करना, फिर अपना सोना और नेक्स्ट डे सुबह उठ के पहले तो उठ के नज़ारे देखना, जो केदारनाथ मंदिर के आसपास का व्यू है, जो पॉजिटिवनेस है, मतलब वो सारी चीज़ें फील करना सुबह उठ के, जल्दी उठ के करना। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन कई लोग कहते हैं अरे हम तो वहाँ जाएंगे नहीं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम होने का मतलब है कि आप चल रहे हो तो वो सांस ज़्यादा फूलेगी आपको, लेकिन जहाँ आपकी सांस फूल रही है ना आप वहाँ सिर्फ खड़े हो जाओ, कुछ मत करो, खड़े हो जाओ, खड़े होते ही ना रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी क्योंकि वहाँ फ्रेश एयर है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑक्सीजन कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाके बिल्कुल प्राण त्याग दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ आपने दर्शन वगैरह कर लिया, दर्शन वहाँ प्रसाद वगैरह मिल जाता है, सारी चीज़ें प्रसाद मंदिर के आसपास ही है। और बाकी अगर आपको मंदिर के बारे में कुछ जानना है तो पंडित जी बहुत सारे जो समझा देंगे आपको मंदिर के बारे में, और उनके जो उनका चार्ज होता है वो आपसे बोलेंगे, और पूजा भी करा देंगे अगर आपको कोई पूजा करनी है वहाँ पे मंदिर के अंदर तो वो भी आपको वहाँ पे हो जाएगी। और घर के लिए प्रसाद आप वहाँ से ला सकते हो, और हाँ लंगर भी चलता है वहाँ पे, हमेशा लंगर चलता रहता है। अगर आपको खाने की प्रॉब्लम है या जैसे कि बजट नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप वहाँ पे लंगर प्रसाद चख के वहाँ लंगर खा सकते हो, लंगर की सुविधा है, आराम से मस्त खाओ, जी भर के खाओ। और फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद आप अपना वहाँ टाइम स्पेंड कीजिए जितनी देर आपको करना है, उसके बाद आराम से नीचे उतर जाइए। और उतरने के बाद आपको एक चीज़, अगर बाई चांस आप रात हो जाती है आपको उतरते उतरते नीचे, फिर कई बंदों के दिमाग में आता है कि यार अब तो रात होगी हम कैसे निकलेंगे, सोनप्रयाग कैसे जाएंगे, हमारा होटल वहाँ पे बुक है या कुछ भी, तो वहाँ पे मैं आपकी एक प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देती हूँ कि वहाँ पे गौरीकुंड से गाड़ी चलती है जो पूरी रात चलती है, दिन रात चलती है कि आपको सोनप्रयाग तक उतार देगी आगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व। जिनकी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होगी सोनप्रयाग तो उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, रात भर वहाँ गाड़ियाँ चलती है, गाड़ी से अपना जाओ सोनप्रयाग और अपना होटल में जहाँ पे भी आपकी पार्किंग में आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आप अपना वहाँ पे जाओ और अपना दर्शन करके आप वापस नीचे उतर गए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि घोड़े वगैरह की भी वहाँ पे जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, चल नहीं सकता, देखो अगर मजबूरी हो ना, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तभी आप घोड़ा खच्चर करना, पिट्ठू करना, क्योंकि ना यार आप इतनी दूर जा रहे हो ना, मतलब इतनी दूर जा रहे हो और इतनी अंदर से ना, मतलब कई लोग तो ना बहुत प्रे करते हैं कि हमें केदारनाथ बुला लो, भगवान केदारनाथ बुला लो, तो जब भगवान बुलाते हैं तब हम घोड़ा कर लेते हैं, फिर क्या फ़ायदा। इससे बेटर है कि आपको अगर आपको भगवान बुला रहे हैं ना तो भगवान के पास खुद चल के जाओ, अपनी शक्ति से जाओ, तो आपको बिल्कुल अति हो जाए ना, जब आपको लगे कि अब नहीं चला जा रहा, अब हालत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, चला नहीं जा रहा, पैर में प्रॉब्लम है, तब आप घोड़ा खच्चर पिट्ठू जो भी है वो करना,
और उसके चार्जेस में भी लास्ट मैंने पूछा था ना, तो उसके चार्जेस तो देखो सीजन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनका भी अपनी बहुत मेहनत लगती है। घोड़े और उसकी मैं बता दूं कि घोड़े के चार्जेस अराउंड 3,000 मान के चलो, जाने के, सिर्फ जाने के, आने जाने का ना डबल कर लो उससे, मे भी थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इतना तो है ही कि अगर आप जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि घोड़ा कर लेंगे 500 200 300 400 या 1000 तक में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घोड़े वहाँ पे थोड़े से कॉस्टली है, मतलब वहाँ पे जो घोड़े की राइड है वो थोड़ी कॉस्टली है, तो ये अपने दिमाग में रखना और बजट अपना सेट करके चलना। पालकी तो भाई बहुत ज़्यादा ही महंगी है, तो पालकी तो भूल ही जाओ। और जो वो है ना पिट्ठू, जो पिट्ठू या माथे पे बांध के वो ऐसा करते हैं, तो वो तो वेट के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। अगर आपका वेट, जैसे मेरा वेट है अराउंड 657 कुछ मेरा वेट है, तो मेरा वो चार्ज करेंगे 5,000 रुपये, जो पिट्ठू है उनका बता रही हूँ। अगर मेरे से ज़्यादा वेट है तो ऐसे ऐसे करके रेट बढ़ता जाएगा, अराउंड 10,000 के करीब वेट के हिसाब से चला जाता है पिट्ठू का रेट, तो उस हिसाब से भी जाना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ भाई फिट होके अपना बढ़िया से फिट हो और दोनों पैरों पे जाओ, अपना रुक रुक के जाओ, आराम से स्टे कर करके जाओ, जा रहे हो तो पूरा आराम से जाओ, पूरा टाइम लेके, ऐसा मत करो जल्दबाजी में। खुद की इस बार रजिस्ट्रेशन करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन होगी, तो रजिस्ट्रेशन केदारनाथ यात्रा आप डालोगे तो उसके अंदर आ जाएगा चार धाम यात्रा, और उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो मुझे सीधा अपने अकाउंट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आप फिल करना और अपना रजिस्ट्रेशन कराना और अपने रजिस्ट्रेशन के साथ ही जाना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बार बिना रजिस्ट्रेशन के आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन बंद है तो 1 मई से रजिस्ट्रेशन वापस कंटिन्यू हो जाएगी, तब आप रजिस्ट्रेशन कराना मत भूलना। जल्दी मैंने आपको दे दिया है, और बाकी अगर कुछ रह जाए तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। और सिर्फ इतना ही कहूंगी कि केदारनाथ जगह नहीं है, केदारनाथ जिंदगी है। अगर आप वहां जाते हो ना और एक बार आप ट्रैक करने के बाद मंदिर को देख लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरा जन्म आपको मिल गया, तो ये बात हकीकत है। तो ये मैं इस लाइन से ना वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो केदारनाथ जा चुके हैं, लेकिन जो जा रहे हैं ना वो मेरी लाइन सुनेंगे ना, तो उस टाइम उनको ये लाइन याद आएगी जब वो मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, तो आप लोग भी केदारनाथ जाओ, बिना डरे जाओ, पूरी श्रद्धा के साथ जाओ और पूरी हिम्मत से ट्रैक करो, और भोलेनाथ का नाम लेते लेते कहीं भी आपको लगे कि हमें दिक्कत हो रही है, नहीं चल पा रहे, तो एक बार बस भोले बाबा का नाम लेना, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप तुरंत ऊपर तक चढ़ जाओगे। और ये बात मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अगर आपको कहीं भी लगे ना कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची, अब नहीं हो रहा, बस एक मंत्र बोल के देखना, ओम नमः शिवाय, और फिर देखना आप सीधा ऊपर मंदिर पे ही पाओगे। करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी चीजें छोटी छोटी उन लोगों को बताऊं जो इतनी वीडियोस देख रहे हैं, बर्फ गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देखो यार ये सारी चीजें तो नेचुरल है। और किसी ने मेरे को मैसेज भी करा कि थोड़े टाइम बाद चले जाना, बाबा कहीं नहीं जा रहे, हकीकत है कहीं नहीं जा रहे, लेकिन एक बोलते हैं ना अंदर से, अगर आपको अपने माँ बाप से मिलने का मन कर रहा है और आपका मन है कि मुझे आज ही अपने माँ बाप से मिलना है, तो फिर क्या ही कुदरत रोकेगी, क्या ही तबाही रोकेगी, फिर मन तो नहीं मानेगा ना, मन तो करेगा ना फटाफट से पहुँच जाओ बस, तो ऐसा अंदर से होता है कि नहीं रुका जाता। चीज़ और मैं बताती हूँ, जैसे आप ट्रैक करते हो ना, तो अभी वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है, तो अपने शूज़ तो देखो अच्छे वाले लेके जाना, कोशिश करना कि कपड़े वाले शूज़ ना पहनो, ग्रिप अच्छी हो शूज़ की, ताकि आपको उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। और देखो एक चीज़ और, एक सॉल्यूशन और देती हूँ, हमने पिछली बार क्या करा था, जब हम वापस नीचे उतर रहे थे तो हमें पता था बारिश तो आएगी, तो हमने अपने शूज़ सॉक्स पहनी, सॉक्स पहनने के बाद हमने पॉलीथीन पहन ली पैरों में अच्छे से, और फिर उसको शूज़ में डाला, तो मेरे को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा और मेरे से अच्छे से ट्रैक करा जा रहा था। तो आप ये कर सकते हो ताकि आपके पैर गीले ना हो, और ठंड भी कम लगती है पॉलीथीन में पैर डालने के बाद, तो ये एक तरीका है जो आप कर सकते हो अपने पैरों को भीगने से बचाने के लिए। और बाकी रेनकोट अच्छे वाला लेके जाना, और पजामे वाला रेनकोट मत लेके जाना, अगर अच्छी वाली क्वालिटी का है तो ही लेके जाना पजामे वाला, क्योंकि पजामे वाले रेनकोट के साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा रहता है, वो हमेशा फट जाते हैं। और ऐसा रेनकोट लेके जाना कि पानी आपके अंदर ना जाए, क्योंकि अगर आप भीग गए फिर आपसे ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो भीगना नहीं है आपने, बिल्कुल भी भीगना नहीं है, बारिश आ रही है तो रुक जाना। और एक चीज़ और, सबसे मेन बात जो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे ATM बहुत ही कम है, सोनप्रयाग के बाद वहाँ कम है, है ही नहीं ATM, कम नहीं है ही नहीं वहाँ पे, सोनप्रयाग में आपको ATM मिलेगा ही नहीं, गुप्तकाशी तक ATM अवेलेबल है, मे भी अभी हो गया हो, मुझे तो खैर लास्ट 6 महीने पहले मैं गई थी तब ATM हमें मिला नहीं था। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको कैश चाहिए और आपको वहाँ पे ATM नहीं मिला,
तो फिर आपको शॉप वहाँ पे शॉप्स बनी हुई है, घबराने की देखो कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं लेके गए तो भी मैं आपको बता दूँ वहाँ पे काफी सारी शॉप्स हैं, अगर आप वहाँ जाके उनको बोलोगे कि हमें कैश चाहिए आप हमसे पेटीएम ले लो तो वो ले लेते हैं, लेकिन 1000 रुपए पे 40 रुपए, 2000 रुपए पे 80 रुपए, मतलब ऐसे करके 40-40 रुपए ऐड करते जाओ। मे बी केदारनाथ मंदिर पे जैसे आप खाने का सामान लेते हो तो यहाँ पे आपको जो चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है ना वो आपको थोड़े ज्यादा पैसों में मिलेगी, डबल रेट, ऑलमोस्ट डबल रेट पे। जैसे कि पानी की बॉटल आपको, अगर पानी की बॉटल नहीं 60-70 रुपए की मिलेगी, और जो माजा की बॉटल है वो आपको 80-90 रुपए की मिलेगी, कुछ इतना ही, इससे 10-5 रुपए और कम लगा लो या ज्यादा ही लगा लो। तो वहाँ पे रेट्स जो होते हैं ना चीजों के हाई हो जाती है, तो इस हिसाब से अपना बजट बना के चलना, और हो सके तो सामान कैरी भी कर सकते हो आप, लेकिन इतनी ऊपर कैरी करके ले जाना, मतलब छोटी मोटी चीजें कैरी कर लेना ताकि आपको वहाँ पे खर्चा करने की जरूरत ना पड़े। और मैगी आपको 60-70 रुपए की मिलेगी मैगी बना के जो वो देंगे। तो ऊपर जब आप मंदिर में पहुंचते हो ना तो देखो ठंड इतनी ज्यादा है तो नहाने की इच्छा तो होगी नहीं, मैं नहीं बताऊं मैं बिना नहाए गई हूँ, और उसके लिए भोलेनाथ कहते हैं ना, मन चंगा तो कठोर में गंगा, ठंड होती है वहाँ पे, पानी हाथ लगाने का मन नहीं करता, तो हम गर्म पानी की बाल्टी मंगवाते हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड 60-70 में भी थोड़ी ज्यादा हो गई हो, 10-5 रुपए, तो इतनी आपको पड़ेगी गर्म पानी की बाल्टी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको नहाने की इच्छा हो तो आप नहा सकते हो, नहीं तो आप हाथ मुंह धो के भी जाओगे ना तो भोले बाबा आपको तब भी दर्शन देंगे, क्योंकि वो आप मन देखते हैं तन नहीं देखते, ठीक है। इससे बेस्ट इस बार हमने सोचा हुआ है कि हम ना खाने के लिए थेपले लेके जाएंगे, रास्ते में जैसे भूख लगती है तो थेपले तो रेडीमेड मिलते ही है, फटाफट निकालो और खा लो, तो हमने सोचा इस बार हम थेपले लेके जाएंगे, तो आप भी ये कर सकते हो, जैसे रेडीमेड थेपले ले गए, पोहा ले गए जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालना होगा, और रेडी टू ईट पोहा जो होते हैं, उपमा होते हैं रेडी टू ईट, तो आप ये सब कैरी कर सकते हो अपने साथ कि बाई चांस रास्ते में अगर आपको कुछ भूख लग रही हो खाने के लिए ना मिले तो आप उसके अंदर सिर्फ गर्म पानी ऐड करके खा लो फटाफट से। और बाकी अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपके पास बैग हो तो उसमें कम से कम सामान हो, और एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े जरूर लेके जाना क्योंकि रास्ते में बारिश आ जाती है तो हो सकता है आपके कपड़े हो जाए गीले और ऊपर आपके पास फिर कपड़े नहीं होंगे तो उसमें आपको फिर दिक्कत होगी, ऊपर आपको जाके ऊपर कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है कि आप एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा कैरी करो। आपको फाइनल बजट बता दूं तो अराउंड, अगर आप बजट मतलब अगर आप जा रहे हो बजट के साथ तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि 10,000 तक तो अराउंड, या नहीं अराउंड 10,000 तक देखो जो खर्चा आएगा ही, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया 3 स्टे के साथ 10,000 तक तो आपका पर पर्सन खर्चा आएगा ही आएगा। और बाकी हमारी 5 मई को जो हमारा केदारनाथ मंदिर के लिए हम निकल रहे हैं तो यहाँ से हम 7-8 जने के निकल रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो आप हमें बता सकते हो, हमारा रूम ऑलरेडी बुक्ड है मंदिर के ऊपर, हमने पहले से ही बुकिंग करा ली क्योंकि हम काफ़ी बार जा चुके हैं तो हम इस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं कि ऊपर जाके हालत ख़राब हो जाती है रूम ढूंढने में और रूम नहीं मिलते, इसलिए हमने पहले से ही बुकिंग करा ली, तो आप भी पहले से बुकिंग करा के जाओ तो सबसे बेस्ट है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ जाना चाहते हो तो कमेंट में मेरे को आप बता सकते हो, और बाकी मैं प्रॉपर व्लॉग्स डालती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि वहाँ पे क्या चल रहा है और दर्शन भी कराऊँगी, तो व्लॉग कंटिन्यू ज़रूर करना क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, कुछ टाइम में ही केदारनाथ के एपिसोड्स मैं डालना शुरू करूँगी, और मैं केदारनाथ जाने की इच्छा है और वो ये सारे व्लॉग्स और वीडियोज़ देख के अपनी इच्छा मार चुके हैं ना, उनकी वापस इच्छा जगाने के लिए मैं उनको यही बताना चाहूँगी, कुछ भी नहीं होता, आप सिर्फ भोलेनाथ का नाम लो और आराम से जाओ, जब आपका मन हो जब आपके पास आपका बजट हो तो सीधा जाओ केदारनाथ और भोलेनाथ का नाम लेते लेते ऊपर तक चढ़ जाओ और दर्शन करो और वापस आ जाओ, इन सारी चीज़ों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केदारनाथ मंदिर ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती है और मंदिर वहाँ बारिश मौसम बदलते रहते हैं तो वो तो हमेशा होगा, कब तक अपना मन मारते रहोगे। तो अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, अगर कोतना मेरे को जितने नंबर्स मेरे पास हैं जितनी हेल्प हो सकती है लोग जल्दी अपने घर बैठे जल्दी से बुकिंग वगैरह करा सकते हैं तो मेरी तरफ से जो कोशिश है वो ये है, तो आप इन सारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके अपनी 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 बुकिंग्स करा सकते हो मंदिर की भी, और बाकी मैंने जितना अब मेरा एक्सपीरियंस था उतना मैंने आपसे शेयर करा और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और जल्दी से केदारनाथ के व्लॉग्स आने वाले हैं, मुझे खुद इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब अपनी आंखों से वापस केदारनाथ मंदिर देखूंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और
इंतज़ार करना मेरी तरह, जैसे मैं कर रही हूँ ना केदारनाथ का, केदारनाथ मंदिर जाने का और केदारनाथ मंदिर की वीडियोस देखने का। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय।